छोटी पन्ना ये पेटी में क्या रखा हुआ? हाँ। बुआ जी ये एक मस्त पिटारा है। मस्त पिटारा मतलब इसमें जादू वादू है क्या? इसमें वो जादू है जो औरतों और पुरुषों की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। वाह, यानी कि हर मर्ज की दवा, उससे बढ़कर नई सोच की खुराक। अच्छा तो जल्दी खोलो भाई, क्या है इसमें बताओ। बुआ जी ये मस्त पिटारा है, इसमें से एक एक करके ही जलवा नुमा होगा। तो ये है पहला नमूना। ये तो कंडोम है। हाँ, यानी दो बच्चों के बीच अंतर रखने का सरल उपाय। ये तो बस कॉन्डम की कहानी की शुरुआत है। शुरुआत मतलब इसकी कहानी भी है? बेशक, क्योंकि जब एक पति कॉन्डम का इस्तेमाल करता है तब वो अपनी पत्नी को एक संदेशा देता है कि मुझे तुम्हारी सेहत की फिक्र है। हाँ, क्योंकि लगातार हर साल बच्चे पैदा होने से सेहत बिगड़ जाती है, ये जानलेवा भी हो सकता है। और ये तो दुनिया का हर मर्द जानता है कि जोरू बीमार तो पूरा परिवार लाचार। कहानी और भी है। कॉन्डम का इस्तेमाल करने का मतलब ये भी है कि पति अपनी पत्नी की मर्जी की इज्जत करता है। वो कैसे? बच्चा पैदा करना या ना करना, इसका फैसला पति और पत्नी दोनों को मिलकर करना चाहिए। इस निर्णय में पति और पत्नी दोनों की बराबरी की जिम्मेदारी होनी चाहिए। पत्नी को यूं ही अर्धांगिनी नहीं कहते। पति पत्नी की जिम्मेदारी, लेकिन लोगों का तो ये मानना है कि बच्चे भगवान की देन होते हैं। बच्चे भगवान की देन है, इसीलिए तो जरूरी है कि उनका ख्याल रखा जाए, उनकी सेहत का ख्याल रखा जाए। और ये तभी होगा जब एक स्वस्थ माँ बच्चे को जन्म देगी और कम से कम 2 साल तक उसका लालन पालन करने के बाद ही दोबारा गर्भवती हो। पन्ना, तुम हमारे बीच इसी तरह आया करो, और तुम्हारे मस्त पिटारे में क्या क्या है सारे गांव वालों को बताया करो। बहुत बहुत शुक्रिया बुआ जी मुझे यहाँ बुलाने के लिए। पन्ना उर्फ आशा दीदी, आपका भी हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।